बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। सो गाइस लेकर आए हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन। वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। जिन बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरा भी समस्या आती है तो अब ये समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल शुरू कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से एक एक करके सभी सवालों को, रूट वाले सवालों को समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो पहला सवाल हमारे पास दिया है कि रूट 42 में है, प्लस रूट 42 है, फिर रूट 42 है, आगे और भी रूट 42 हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो दे दिया ये है जी इन्फिनेटिव का साइन, और इन्फिनेटिव के साइन का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि ये संख्या बार बार आगे भी आती रहेगी। इन्फिनेटिव यानी कि कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। हमारा क्लासरूम खत्म हो जाएगा लेकिन ये जो वैल्यूज है वो आनी कभी भी बंद नहीं होगी। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, ये जो 42 लिखा हुआ है, 42 रिपीट हो रहा है, लगातार 42 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस 42 के आपको क्रमागत संख्याओं में फैक्टर करने पड़ते हैं। क्या कहते हैं? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंजुकेटिव नंबर। कंजुकेटिव नंबर, ठीक है। तो जो लगातार संख्या आपकी आती है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? 6 और 7 में इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है 6 × 7 में, ठीक है। तो 6 × 7 में आपने इसको ब्रेक किया, तो यहां पर अगर प्लस का साइन आ रहा है, बच्चों ध्यान देंगे, अगर यहां पर प्लस का साइन आ रहा है तो इसका आंसर रहेगा हमारा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, यानी कि 6 × 7 में जो बड़ी संख्या है वो इसका राइट आंसर रहेगी, ठीक है। तो यानी कि 7 इसका आंसर हमारा क्वेश्चन का बन जाएगा, क्लियर। और अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है माइनस वाला कि 56 है, माइनस का रूट 56 है, फिर माइनस का रूट 56 है, और ये भी कहां तक जा रहा है? इन्फिनेटिव तक, यानी कि ये भी खत्म नहीं होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? उस कंडीशन में क्या रहेगा? ध्यान देंगे, इसका फैक्टर करेंगे वही 7 × 8 में हो जाएगा, 7 × 8 = 56, ठीक है। 7 × 8 में ये टूट जाएगा, 7 × 8 में टूट जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि माइनस है तो यहां पर आंसर हो जाएगा छोटा वाला नंबर, ठीक है। तो 7 इसका राइट आंसर रहेगा। ऊपर वाले का 7 इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या 7 बन रही थी, नीचे वाले का 7 इसलिए आया क्योंकि छोटी संख्या यहां पर 7 और 8 में छोटी संख्या 7 बन गई। अगर प्लस होता यहां पर भाई 56 वाले में अगर प्लस होता तो 8 आंसर हो जाता, और 42 वाले में अगर माइनस वाला क्वेश्चन होता तो यहां पर इसका आंसर 6 हो जाता। समझ में आ गया आपको ये दोनों क्वेश्चन? चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा। आगे बढ़ते हैं और किस तरह का सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बिना पेपर पेन उठाए आप इस तरह के सवालों को इजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तीसरे तरह का सवाल आ जाता है कि हमारे पास √3 इस तरीके से दे दिया, और ये सब रूट में दे दिया जाए, ये सब दे दिया जाए रूट में, ठीक है, रूट में दे दिया जाए, और इसके आगे भी लगा दिया जाए इन्फिनेटिव, ठीक है। और एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल क्या हो, ये भी √3 है, ये भी √3 है, बट इस √3 में और इस वाले √3 में क्या फर्क रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए कि इस वाले √3 वाले क्वेश्चन में और इस वाले √3 वाले में क्या फर्क है। कि इस वाले में तो ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, बट इस वाले सवाल में इन्फिनेटिव तक ये नहीं जा रहा। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कि जब डिफरेंस दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, कि मतलब यहां पर इन्फिनेटिव दे रखा है, इसमें इन्फिनेटिव नहीं है, तो इन्फिनेटिव वाले केस में जो अंदर वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आपको पूछा जाएगा, उसका आंसर जो भी अंदर नंबर रखा हुआ है, चाहे 3 है, 5 है, 7 है, जो भी आपको नंबर दिखता है रखा हुआ, वो उसका आप राइट आंसर लगा लेंगे। लेकिन इस वाले केस में अगर इन्फिनेटिव नहीं है तो वहां उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये देखिए, जितनी बार रूट है रूट को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 बार ये रूट है, ठीक है, 5 बार ये रूट है, तो 5 बार हमने रूट को काउंट कर लेना है और उसको 3 की पावर पर बनाना है, ठीक है। यानी कि
एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो पांच बार रूट है तो दो की पावर पांच बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टू टू दी पावर फाइव। और टू टू दी पावर फाइव कितना होता है बच्चों, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, ठीक है, बत्तीस बनेगा। तो इस बत्तीस में से एक कम कर लेना है आपको, तो कितना बनेगा, इकतीस। तो आपको इसकी पावर रख लेनी है, तीन की पावर इकतीस, और नीचे रख लेना है बत्तीस। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि जितनी बार रूट है, एक दो तीन चार पांच बार रूट है, तो हमने करना है दो की पावर पांच, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस में से एक कम करेंगे आएगा इकतीस, और इकतीस बटे बत्तीस, तीन की पावर इकतीस बटे बत्तीस हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये दोनों में फर्क है, अगर क्वेश्चन में यहां पर सेवन 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 दिया गया होता तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर सेवन हो जाता, और नीचे अगर सेवन 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 दिया गया होता तो सेवन की पावर इकतीस बटे बत्तीस, सात की पावर इकतीस बटे बत्तीस हो जाता। इस सवाल को थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जाता है और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। तुम्हारे पास 5-5 करके है, ठीक है, 5-5 करके ये वैल्यू दे दी गई, और इस वाले सवाल में अगर इन्फिनेटिव दे दिया जाए, अगर इन्फिनेटिव दे दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा जी आपका 5। बट अगर ये इन्फिनेटिव ना दे, अगर ये इन्फिनेटिव ना दे तब सवाल का आंसर क्या बनेगा, तो 5 टू दी पावर कितना बनेगा, दो की पावर एक दो तीन चार, दो की पावर चार, और दो की पावर चार कितना होता है 16, और 16 में से एक कम करेंगे आप कितना बनेगा 15, तो कितना बन जाएगा 5 की पावर 15 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो 5 की पावर 15 बटे 16 आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल हमेशा समस्या करता है, ठीक है। सवाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर दिया गया 7777777 और रूट लगा दिया गया, ठीक है, रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद यहां पर देखेंगे, अगर इन्फिनेटिव दे दिया, अगर इन्फिनेटिव दे दिया तो आंसर तो 7 हो गया, आंसर तो 7 हो गया अगर इन्फिनेटिव दे दिया। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, समझ लो उसको ध्यान से, अगर इन्फिनेटिव दे दिया तो आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बट अगर इन्फिनेटिव नहीं दिया है तब आंसर क्या रहेगा, तब आंसर क्या रहेगा 7 टू दी पावर, एक दो तीन चार पांच छह बार रूट है, दो की पावर छह बनाइए, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी 64, और 64 में एक कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 63 बटे 64, तो 7 की पावर 63 बटे 64 यहां पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों, तो 63 बटे 64, 7 की पावर 63 बटे 64 आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर मैंने आपको रूट वाले वो सवाल समझाए जो एसएससी में, रेलवे में, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और कई बार बच्चे इनको नहीं समझ पाते। बहुत ही बेसिक से सवाल है, काफी बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो अब आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया है। आपको ज्यादा पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर जैसे जैसे मैंने बताया बस उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो 2 सेकंड के अंदर आपका सवाल, कोई भी सवाल इस तरह का सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई गई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।